हेलो एंड वेलकम बैक हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर जो गिफ्ट कार्ड ऐड कैसे करें। चाहे दोस्तों फ्लिपकार्ट में गिफ्ट कार्ड कैसे ऐड करें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नए वीडियो आए उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ऐप लिस्ट को ओपन कर लेंगे, जहाँ पर सर्च बॉक्स पर जाकर अपना फ्लिपकार्ट को सर्च कर लेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद ओपन कर लेते हैं। फाइनली ओपन करने के बाद यहाँ पर देखोगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर, अकाउंट वाले पर। ठीक है, इस पर जाएंगे तो माई कार्ड एंड वॉलेट का एक ऑप्शन यहाँ पर भी आपको शो होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों, माई फ्लिपकार्ट क्रिएट स्टूडियो, ठीक है, सेविंग कार्ड, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर देखोगे कि इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सेविंग कार्ड ऊपर गिफ्ट कार्ड 0 है, ठीक है, तो ऐड गिफ्ट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आप गिफ्ट कार्ड के नंबर वगैरह जो भी अपने के पास है वो यहाँ पर डालकर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका गिफ्ट कार्ड है जो अप्रूवल और अप्लाई दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में गिफ्ट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अगर एक ऐसे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी नए वीडियो है उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।